नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। हल्द्वानी बनबूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई है। इधर हल्द्वानी में भी लगातार दुआएं चल रही हैं। महिलाएं और पुरुष लगातार दुआएं कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में आए। इस दौरान आज NTCAA आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही उज्मा परवीन भी हल्द्वानी पहुंच चुकी हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब घटनाक्रम घटा है, लेकिन उम्मीद है सब अच्छा होगा और लोगों की दुआएं जरूर कबूल होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि जो जहाँ बसा है उसे उजाड़ने का क्या ही मकसद है। 100 साल हो गए यहाँ पर लोगों को बसे। अगर आप संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, तो कानून हमारा क्या कहता है कि 15 साल से ऊपर अगर कोई कहीं पर रहता है तो कहीं ना कहीं उसकी मिल्कियत होती। तो यहाँ 150 सालों से ये लोग जो बसे हुए तो ये इनकी मिल्कियत है। इन्हें हटाया ना जाए, इन्हें उजाड़ा ना जाए। मैं अपने प्रधानमंत्री आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहूंगी कि आप इनके घर ना उजाड़े। हम तो आपकी माए बहन है ना। आप जब भी स्पीच होती है आपकी, जब आप बड़े मोहब्बत से कहते हैं हमारी माए बहने, तो आज आपकी माए बहन। लेकिन सरकार तो मना कर रही है। सरकार का मामला नहीं, बिना हुकूमत के तो पत्ता भी नहीं हिलता है। आप भी यहाँ पर आए तो हुकूमत ही कुछ, कहीं ना कहीं हुकूमत साथ होती है ना। तो मैं अपनी हुकूमत से कहूंगी ना, सत्ताधारी पार्टियों से कहूंगी ना, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारे समाज को उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा समाज तो बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा साधा है। उसे ऐसे जुल्म करना उसके ऊपर, कभी किसी नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी चाहे वो NRC का मुद्दा हो, आया हो, उठा हो, आगे बढ़ा हो, आज ये घर तोड़ने का मुद्दा हो, तो मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को बसा नहीं सकते तो आप किसी को उजाड़ो मत। जोड़ नहीं, एक टारगेट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टारगेटेड होता है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी यही कहूंगी, अपनी सरकार से भी यही कहूंगी कि आप जब अपनी स्पीच में मुझे, हम सारी औरतों को अपनी माए बहने बताते हैं, तो आज आपकी माए बहने, आज आपको पता है 4500 से 5000 घर है मुस्लिम्स के, आपको पता है ना। ये तो इन्फॉर्मेशन होगी ना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करते हैं बेशक, और हमको उम्मीद है मेरी न्यायपालिका कभी भी गलत फैसला नहीं सुनाएगी। सबसे तो ये थी ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास रिपोर्ट। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।